स्विगी के बिलबोर्ड का विवाद अभी थमा भी नहीं था कि एक और नए विवाद को लेकर स्विगी सुर्खियों में है। इस विवाद के केंद्र में है डिलीवरी बॉय, ऑर्डर मंगाने वाला शख्स और साथ ही कस्टमर केयर पर बात करने वाला स्विगी का एम्प्लॉय। विवाद क्या है वो बताते हैं। दरअसल दिल्ली के कश्मीरी गेट पर मशहूर मरगट बाबा का हनुमान मंदिर है और इसी परिसर के पास मटन कोरमा की ऑनलाइन ऑर्डर मंगाने को लेकर विवाद हो गया। विवाद इस बात को लेकर हुआ जब डिलीवरी बॉय ने मटन को हनुमान मंदिर के परिसर में डिलीवर करने से साफ मना कर दिया। डिलीवरी बॉय का नाम सचिन पांचाल है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हुआ। सचिन पांचाल ने साफ कह दिया कि वो धार्मिक जगह पर मटन का ऑर्डर डिलीवर नहीं करेगा। हालांकि इस बीच उस पर दबाव भी बनाया गया, जिसे लेकर ही स्विगी निशाने पर है। आरोप यहां तक लग रहे हैं कि स्विगी ने इस शख्स को नौकरी से भी निकाल दिया है। क्या है पूरा मामला वो बताते हैं। दरअसल डिलीवरी बॉय सचिन पांचाल मंदिर परिसर के बाहर खड़े थे और कस्टमर से कह रहे थे कि वो चाहें तो बाहर आकर ऑर्डर ले सकते हैं, लेकिन कस्टमर बाहर नहीं आया और कहा कि उसे मंदिर परिसर के भीतर ही मटन कोरमा की डिलीवरी चाहिए। सचिन पांचाल काफी देर तक मंदिर परिसर के लोहे के गेट के बाहर खड़े रहते हैं, जिसके पीछे की एक बड़ी वजह ये थी कि डिलीवरी की लोकेशन यमुना बाजार हनुमान मंदिर दिखाई दे रही थी। लिहाजा सचिन ने तय किया कि वो मंदिर के भीतर मटन लेकर कतई नहीं जाएंगे। हालांकि इस बीच सचिन पांचाल का ऑर्डर बुक करने वाले शख्स के साथ एक लंबा संवाद भी होता है। इस संवाद के पब्लिक डोमेन में आने के बाद इसका असर क्या हुआ, सबसे पहले वो जानिए, उसके बाद आपको बताएंगे कि संवाद क्या था। असर ये हुआ कि ये है उस ग्राहक की दुकान, जिसे मंदिर परिसर के भीतर मटन चाहिए था। आलम यह है कि दुकान के बाहर भारी संख्या में सुरक्षा तैनात है, क्योंकि लोग नाराज हैं। अब संवाद सुनिए। दरअसल सचिन पांचाल कहते हैं कि कंपनी ने अभी तक ऑर्डर रद्द नहीं किया है, जिसके जवाब में ऑर्डर बुक करने वाला जवाब देता है, कृपया मेरे साथ शांति से बात करें। जिसमें ऑर्डर बुक करने वाला जवाब देता है, आराम से बोल ले, इतना ओखा क्यों बोल रहा है। सचिन ने जवाब दिया, नहीं भैया, मैं कंपनी से काफी देर से बात कर रहा हूँ, गला दर्द हो गया। आपकी दुकान मंदिर की चार दीवारी के अंदर है, मुझे डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अगर उधर नहीं होती तो कोई दिक्कत नहीं थी। इसके बाद ऑर्डर बुक करने वाला जो शख्स कहता है, उसे सुनकर कई लोग हैरान हो गए। वो दावा करता है कि आप अपनी कंपनी से समरीज चेक करिए, मैं तो 365 दिन मंगाता हूँ। सचिन कहते हैं, क्या आप 365 दिन दुकान के अंदर ऑर्डर मंगाते हैं भैया। ऑर्डर बुक करने वाला जवाब देता है, हाँ हाँ, अंदर, यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ। इसके बाद सचिन कहते हैं, है तो मंदिर की चार दीवारी के अंदर ही दुकान। ऑर्डर बुक करने वाला शख्स कहता है, मंदिर आगे चल के है, 150 मीटर आगे है। सचिन कहता है, कहाँ भैया, दो कदम पर तो मंदिर है। ऑर्डर बुक करने वाला फिर कहता है, कोई बात नहीं। सचिन इसके बाद बोलते हैं, हाँ भैया, आप ही सोचो, आप इतने पुराने बैठे हो इस जगह पर दुकान लेकर, आप मंदिर के लिए प्रसाद और सब बेचते हो, और भैया उसी दुकान में मीट लेना आना ठीक नहीं होगा मेरे हिसाब से तो। ऑर्डर बुक करने वाला शख्स इसके बाद कहता है कि कोई बात नहीं भैया। सचिन कहते हैं, ठीक है भैया, तो मैं नहीं लेकर आ सकता, मंदिर है भैया। इसके बाद सचिन की बात स्विगी के कस्टमर केयर एम्प्लॉय से होती है। वो दबाव बनाता है कि डिलीवरी तो अंदर ही होगी, लेकिन सचिन कस्टमर केयर के एम्प्लॉय को भी साफ कह देता है कि वो ऑर्डर लेकर अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि वो क्षेत्र है जहां भगवान हनुमान को प्रसाद या मिठाई और कचौरी हर दिन तैयार की जाती है। कस्टमर केयर का एग्जीक्यूटिव, जिसका नाम अनुभव था, कि भले ही वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये पॉलिसी है कि खाने को डोर स्टेप डिलीवरी तक पहुंचाना होगा। सचिन ने ये भी कहा कि वो अधर्मी नहीं है और वो नॉनवेज खाने का ऑर्डर देने के लिए मंदिर के परिसर के भीतर कतई नहीं जाएंगे। और साथ ही उन्होंने एग्जीक्यूटिव को इस बात की धमकी भी दी कि अगर उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया तो वो इस कॉल रिकॉर्डिंग को सार्वजनिक कर देंगे। जिसके बाद बताया जा रहा है कि स्विगी ने सचिन को नौकरी से निकाल दिया, सिर्फ इस बात के लिए कि वो हनुमान मंदिर के भीतर नॉनवेज लेकर नहीं गया। लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये भी है कि पवित्र मंदिर की पवित्रता बनाए रखने के लिए मरगट हनुमान मंदिर के बोर्ड ने सचिन को सम्मानित किया है और ट्रस्ट की ओर से कहा गया है, उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए जो कुछ भी किया है वो उनकी अपनी सचेत और नैतिक कार्रवाई है, वो किसी हिंदू समूह या किसी राजनीतिक दल या किसी धार्मिक सबूत से संबंधित नहीं है।
यह उन लोगों के लिए संदेश है जो कहते हैं हिंदू सो रहा है, हिंदू अब जाग गया है, और उनकी नैतिक सेवा के लिए हम ये सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें फिर से नौकरी मिले। वे हनुमान मंदिर परिसर में हमारे भाई और सेवादार होंगे। लेकिन अब इस मामले में उस शख्स की दुकान का अपडेट ये है जहां हनुमान मंदिर से सटी दुकान के पास भारी मात्रा में CRPF और दिल्ली पुलिस तैनात है, जिसकी वजह से कुछ हिंदू समूह नाराज हैं और उन्होंने दुकान को फिलहाल बंद करवा दिया है। जबकि इस मामले में स्विगी का कहना है कि उसने सचिन को नौकरी से नहीं निकाला है और उनकी ID को भी बंद नहीं किया गया है। लेकिन जिस तरीके से स्विगी ने होली के मौके पर बिलबोर्ड के जरिए अपना इरादा जाहिर किया, उससे ये साफ होता है कि स्विगी को कम से कम धार्मिक मामलों में दूसरों की आस्था का भी ख्याल जरूर रखना चाहिए। आपकी इस पर क्या राय है, नीचे अगर कमेंट सेक्शन में उसे जरूर लिखें। धन्यवाद।